hello students so today i have brought a very important video for you that is 11 common mistakes done in english grammar so when you are writing when you are answering your questions when you are writing an article or you are writing a letter or your question answers also what i have noticed there are some common mistakes among all the students because when i go through the question answer paper answer sheets i find something very common so i thought that i should commonly tell all the students, because if it is in my school, then it, it means that all the students are making the same mistake. So, students, please note down these mistakes, they will help you a lot in your career. Okay, so let's start. First mistake Myself, I am Suresh Babu. Now, what is a mistake here? You see, myself is a reflexive pronoun. Okay, and myself ka Hindi me matlab kya hota hai? Khud. Khud. तो क्या हम कभी ऐसे बोल सकते हैं खुद मैं ऐसे नहीं बोलते ना हम लोग तो इसको या तो दो तरीके हैं बोलने के या तो आप आई लगाइए और आई के बाद फॉलो करवाइए माई सेल्फ आई माई सेल्फ ठीक है आई माई सेल्फ सुरेश बाबू ओके या आई एम सीधा सीधा बोलिए आई एम सुरेश बाबू समझ में आ गया आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो सेंटेंस हम लोग माई सेल्फ से शुरू कर देते हैं एक्चुअली दैट इज़ वेरी रॉन्ग ये बहुत गलत है था। कभी भी हमको सेंटेंस को माई सेल्फ से शुरू नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ये लिखिए नीचे लिखा माई सेल्फ एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन आई दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है ठीक तो हम आई माई सेल्फ लगाएँ या आई एम सुरेश बाबू केवल हम माई सेल्फ से सेंटेंस को शुरू करें ये हमेशा गलत होगा तो इस मिस्टेक को बहुत बच्चे जब भी इंट्रोडक्शन अपना देते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है ओके नेक्स्ट मिस्टेक है आई एम हैविंग फोर ब्रदर्ज एंड सिस्टर ये कंस्ट्रक्शन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं आई एम हैविंग ये गलत है बिल्कुल से क्यों क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कौन सा टेंस हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस इसको हम लोग रियलिस्टिक जब स्टेटमेंट होती हैं जब रियलिस्टिक प्रैगमेटिक सिचुएशन होती हैं उसमें हम इनको यूज़ नहीं करते इसमें हमको केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है तो याद रखिए बच्चों की जब भी हम रियलिस्टिक वाली कोई सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहे हैं या बोलने जा रहे हैं जैसे तो हम सीधे सीधे उसको प्रेजेंटेंस बोले आई हैव फोर ब्रदर्स एंड सिस्टर सिंपल आई हैव आई एम हैविंग बिल्कुल गलत है ओके okay? तो ये दूसरा मिस्टेक तीसरी ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप अब इसमें क्या गलती है ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे लिखने में करते हैं देखिए जब भी मैं आपको टेंस पढ़ाती हूँ तो मैं ये बताती हूँ लेकिन तो भी बच्चे भूल जाते हैं ठीक है क्या मिस्टेक है जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हमारे ही शी और इट ये क्या है सिंगुलर प्रोनाउन ठीक है और प्लूरल प्रोनाउन हमारे कौन से हैं प्लूरल में आई वी यू और दे ये प्लूरल में आते हैं इसको बच्चों आप बिल्कुल याद रखिए दिस इज वेरी बेसिक अब ही शी इट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ठीक है लेकिन इसमें क्या लग जाता है एस या ई एस एस या ई एस फॉलो करेगा पक्का और इसमें आई वी यू दे में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब भी भी आप ही शी इट को प्रेजेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं बच्चों तो ध्यान रखिए कि उसके संग एस और ई एस का लगना बहुत जरूरी है वर्ब के संग तो जो हमारे वर्ड जो हमारे सी एच एस एच ओ एक्स इनसे ख़त्म होते हैं है ना उन सब के पीछे हम केवल क्या लगा देते हैं ई एस क्या लगाते हैं ई एस।, है? एस और बाकी सब के पीछे एस लगाना है तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया तो ही डू नॉट हैव लॉ ये में क्या गलती है ही डज नॉट हैव ही के संग क्या आएगा डज नॉट समझ में आ गया ही डज नॉट हैव जैसे मैंने कहा दे तो दे के संग डू आएगा कि डज आएगा दे डू नॉट हैव ठीक है ठीके? क्योंकि दो प्लूरल है फिर हमने कहा आई आई के संग क्या आएगा आई डू ये भी प्लूरल है क्योंकि अगर हमने कहा शी तो शी के संग क्या आएगा डज क्या आएगा डज क्लियर तो अब ये बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि सिंगल प्रोनाउन ही शी इट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस में एस या ई एस लगता है कब प्रेजेंट टेंस में कौन से टेंस में प्रेजेंट टेंस में जब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो ही इंपॉर्टेंट टेंस हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर का बहुत सारा कोर्स समझ लीजिए आपने कर लिया है तो बच्चों ये याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है देखिए सब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको हम थोड़ा और इलेबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट तो ये हमारे कोई भी सेंटेंस का बेस है स्ट्रक्चर है अब अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस एस वी ओ ये बन गया हमारा क्वेश्चन ठीक है ये हमेशा बच्चों याद रखो कि सिंपल सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला है और क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला है बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा देखो जैसे टुडे ऑफिस इज देयर इसमें क्या गलत है है ना तो इसमें क्या गलत है इसमें देखिए आप सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया ना इंट्रोगेटिव कहाँ से हुआ नो ऑफिस इज़ नॉट दियर इसे उसने जवाब दिया ठीक है टुडे इज़ भारत बंद ठीक इसमें करेक्ट क्या होगा इज टुडे अ वर्किंग डे इज़ टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे तो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्क हमारा सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तभी इंट्रोगेटिव बन रहा है येस वी आर वर्किंग टुडे नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे इसका आंसर ये सीधा सीधा ये हो जाएगा तो ये इस तरह से बोलना ऑफिस इज़ नॉट देर ऑफिस टुडे वी आर ऑफिस तो वहीं है ऑफिस कहीं नहीं जा रहा है इज़ टुडे आ वर्किंग डे ऑफिस में हम वर्क करते हैं तो ये भी हमको चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम बोल रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं है ना कई बार जैसे हिंदी में जोक्स भी बनते हैं कि सड़क कहाँ जाती है तो वो कहते हैं भाई सड़क तो कहीं नहीं जाती सड़क तो यहीं रहती है हम जाते हैं तो दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक आंसर तो ये चीज़ों का भी हमको जब हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं ध्यान रखना है नेक्स्ट ये बहुत हम लोग लास्ट बिफोर ईयर ये बहुत लोग बोलते हैं और लिखते भी हैं इसको आप याद कर लीजिए कि ये गलत है इसको हम क्या बोलेंगे ईयर बिफ़ोर लास्ट क्या होता है सही ईयर बिफोर लास्ट अगर हमको कोई एक्सप्लेन करनी है चीज़ तो हम उसको ऐसे बोलेंगे ईयर बिफोर लास्ट है ना तो ईयर बिफोर लास्ट शी गॉट गुड मार्क्स इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं मंथ बिफोर लास्ट डे बिफोर लास्ट वीक बिफोर लास्ट ओके नेक्स्ट आई कम टू ऑफिस बाई वॉक कई बच्चे कई लोग क्या करते हैं लिटरल ट्रांसलेशन कर लेते हैं इंग्लिश में जो हिंदी में बोलते हैं मैं पैदल आता हूँ तो वो बोल देते हैं आई कम टू ऑफिस बाई वॉक अब बाई वॉक नहीं होता है क्या होता है ऑन फुट हम कैसे आते हैं ऑन फुट क्यों क्योंकि देखो बाई कार बाई बाइक बाई बस बाई ट्रेन बाई फ्लाइट जब भी हम कोई मोड से आते हैं तो हमेशा उसमें क्या लगाते हैं बाई मोड के लिए लेकिन हम वॉक मोड तो नहीं है वॉकिंग कोई मोड नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे फुट हम पैदल आते हैं है ना तो ऑन फुट क्या आते हैं हम लोग ऑन फुट सो वी वी कैन नॉट से बाई वॉक एज इट इज़ द फुट विच इज़ बीग यूज टू ट्रेवल नॉट वॉक वॉक माने तो चलना है ना वॉक का मतलब होता है चलना तो चलना थोड़ी है चल के आते हिंदी में बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हम पैरों से आते हैं तो ऑन फुट लेकिन जब हम कोई साधन से आ रहे हैं तो हम बाइक का यूज़ करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इसको तो आप नोट कर लीजिए ये हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है वॉट इज़ द टाइम इन योर वॉच इन योर वॉच नहीं होता ये प्रपोजिशन गलत है बाई योर वॉच क्या होता है बाई योर वॉच इसको याद कर लीजिए ये ये कॉन्ट्रैक्शन जो हैं देयर आर है are, ना देअर और देअर ये बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और ये मिस्टेक्स बहुत ही बड़ी ट्रेजिडी में बदल जाती हैं दे आर ठीक है are, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया दे आर क्या हो गया दे आर ये इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया ठीक फिर दूसरा वाला होता है देयर ये देयर किससे बनता है उनका दे का दे का पॉजिटिव है देयर माने उनका ठीक है और देयर देयर ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माने यहाँ वहाँ है ना देयर वहाँ प्लेस को बताता है कि देयर इज़ अ कैट है ना डिवेंट देयर वो वहाँ गए तो ये बच्चों इन तीनों का या कर दे आर ये क्या होता है ये देखिए आप इसमें एक बार दोबारा इसको यहाँ पे देख सकते हैं वन रिफर्स टू समथिंग ओन्ड बाई देयर ग्रुप जब हम कहते हैं देयर ग्रुप यानी हमारा है ना देश का दे का वो है पोजेसिव देयर है ना और दूसरा प्लेस को बता रहा है देयर स्थान बता रहा है तो हमें इन तीनों में हमको दे आर दे आर ये कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक है ना आर गोइंग जब हम बनाते हैं वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई तो ये बच्चों ये तीनों देअर देयर का हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए इनको यूज़ करते समय आप ज़रूर एक बार चेक करें कि हम सही यूज़ कर रहे हैं कि गलत यूज़ कर रहे हैं फिर नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं एस अपोस्ट्रोफीस एस का मतलब क्या होता है का के और की क्या मतलब होता है इसका का के की ये आ, कारक है हिंदी में इसको हम कारक बोलते हैं अब देखो बच्चों जब कोई प्लूरल होता है नाउन जैसे डॉग्स हमने कहा कुत्ते अब हमें इसको प्लूरल बताना है तो हमारा अपोस्ट्रफी पीछे आएगा प्लूरल को जब हमें बताना है कुत्तों का भोजन ये कुत्तों का भोजन है यानी कि डॉग्स फूड है ना तो डॉग्स प्लूरल है हमारा तो हम प्लूरल में बाद में लगाएंगे लेकिन हमने कहा ये एक कुत्ते का भोजन है तो क्या हो जाएगा डॉग्स अपोस्ट्रफी अब अंदर आ जाएगा डॉग्स फूड बात समझ में आ गई तो कुत्ते का भोजन तो ये हमें बता दे रहा है कि एक कुत्ता है ये बता दे रहा है कि बहुत सारे कुत्ते हैं क्लियर अब आप बोलोगे मैम कोई कोई शब्द तो ऐसे होते हैं जिसमें डबल एस पहले से ही आता है जैसे ड्रेस अब ड्रेस का प्लूरल कैसे होगा तो कुछ नहीं इसमें पीछे लगा देंगे क्या हो जाएगा पीछे तो जब कोई क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो ड्रेस है ना ओके ड्रेस ब्लू कलर डजेंट ठीक तो इसमें हम पोस्ट्रफी को कर देंगे तो में आ गया सबको जैसे देखो तो लेजर्ड्स एक टेल द लेजर्ड्स टेल इसमें क्या हो रहा है नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर है एंड डजन एन इन एन एस एंड एस में ऐड नहीं करा विल ऐड तो सिंपल है जब हमारा नाउन सिंपल है जैसे हमने कहा ये वाला डॉग का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको लेजर्ड लिजर्ड में पीछे क्या आ रहा है डी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है एक लेजर्ड है हमने से इसे लेकिन लिजर्ड होता तो हम क्या कर देते बाद में लगाते ठीक क्लियर हो गया ये तो इसको प्रोनाउन इसको अपोस्ट्रोफी को यूज करने में बहुत ध्यान रखिएगा डोंट मेक दिस मिस्टेक फिर हु और दैट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है हु और दैट ये हम बहुत गलत यूज करते हैं हमारी एडिटिंग में भी आता है और ग्रामर लिखने में भी दिस वन इज वेरी ट्रिकी है ना ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब करते हैं सम वन और समथिंग जैसे कि लिंसे इज़ अ ब्लॉगर हु लाइक्स आइसक्रीम बिन्डसे एक ब्लॉगर है जिसको आइसक्रीम पसंद है वेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन सो बी श्योर यू टू यूज अब ये हु का प्रयोग हम लोग केवल व्यक्ति के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं पर्सन अगर हमारे पास ये जो यूज हो रहा है हु तो ये व्यक्ति के लिए आएगा ध्यान रखना है नॉन लिविंग थिंग एनिमल के लिए हमें हु नहीं लगाना है हु Who और हुम किसके लिए आएगा पर्सन के लिए और इसके लिए बाकी चीज़ों के लिए हम क्या लगा देते हैं दैट क्या लगा देते हैं दैट वैन यू आर डिस्क्राइबिंग यूज़ दैट फॉर एग्जाम्पल यू शूड से हर कंप्यूटर इज़ द वन दैट ओवर हीट सॉल द टाइम यानी उनका कंप्यूटर है जो दैट ओवर हीट ऑल द टाइम इट्स वेटी सिंपल बट डेफिनेटली समथिंग दैट गेट्स ओवर लुकड फ्रीकुंटली इसकी हम बहुत मिस्टेक करते हैं जब हम राइट स्टोरी राइटिंग लिखते हैं जब हम कुछ करते हैं तो ये मिस्टेक बहुत कॉमन है ओके okay. और ये लास्ट की जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन मिस्टेक अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ओके तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है इज एम आर का यूज़ हम करते हैं लेकिन हम बहुत कैजुअल यूज़ करते हैं वॉज वर इज एम हैज है इसको हम कहीं भी लगा देते हैं जैसे मैं बच्चों को प्रेजेंट टेंस भी सिखाती हूँ तो बच्चे बीच में बोल देते हैं आर अरे भाई जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे केवल वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आपने इज एम आर का यूज़ कैसे कर लिया है ना इज एम आर का यूज़ अब आपको कब करना है? ये तो या तो प्रेजेंट देखो इसको याद कर लो कि ये उसमें आएगा या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाए ही इज गोइंग दे आर गोइंग है ना आई एम गोइंग तो यह तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा पहला या पैसिव में आएगा पैसिव में कैसे आएगा जैसे हमने इसी का पैसिव बनाया ही ही इज ईटिंग फूड तो क्या हो जाएगा द फूड इज़ ईटन बाई हिम द फूड इज ईटन बाई हिम तो या तो हम एक्टिव पैसिव में करेंगे या सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं है दिस इज अ काउ दिस इज अओ दिस इज अ काउ तो बच्चों अब आपको क्या याद रखना है कि ये वाला जो इज एम आर है या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा या ये पैसिव में आएगा या विदाउट मेन वर्ब आएगा बाकी आपको इसको यूज नहीं करना है कहीं भी इज एम आर को नहीं ऐसे ही वॉज वर्ग के संग भी है कि वॉज वर्ग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा ठीक है वॉज वर्क प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे या फिर पैसिव में आएगा वॉज वर्क प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म के संग आएगा या जहाँ मेन वर्ब नहीं है जैसे देयर वॉज अ काउ ठीक इन तीन सिचुएशन के अलावा इनको आपको यूज़ नहीं करना है बहुत ही ध्यान से इनको यूज़ करना है हैज़ हैव हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा जहाँ बिलोंगिंग बताता है या बिलोंगिंग के सेंस में आएगा समझ में आ गया जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार यानी मेरे पास कार है तो ये एक बिलोंगिंग बता रहा हैव तो मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ या हैज़ हैव को मैं परफेक्ट टेंस में यूज़ करती हूँ आई हैव अ आई हैव ईटन माई फूड या पैसे में द फूड हैज़ बीन ईटन बाई मी इसी तरह पास्ट का भी होगा है ना हेड प्लस वर्क की थर्ड पर हम बिलोंगिंग में बताएगा आई हैड अ कार मेरे पास कार थी अब नहीं है है ना या पैसे में आएगा आई हैड ही हैड बीन ओके तो समझ में आ गया बच्चों सबको अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बी एम वॉज वर इज एम आर हैज़ हैव इनका यूज़ करें बहुत ध्यान से करें हमको टेंस के फार्मूले बहुत अच्छे से याद है नेक्स्ट वीडियो आपको टेंसेसिस के सारे फार्मूले इकट्ठे देने वाली हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा तो जब भी, भी आप अपना इज एम आर वर हैज हैव लगाएं तो थोड़ा ध्यान दें कि हमारा क्या सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है क्या पैसिव में है या बिना मेन वर्ब के है अगर वो तीन कंडीशन में है तो आप लगाइए नहीं तो उसको रीचेक करिए ओके आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स Please give your comments and press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you. Bye. Have a nice day.